दयालु पंडित जी। एक पंडित जी पूजा पाठ कराकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। पूजा पाठ कराकर उन्हें जो पैसा मिलता, उनमें से कुछ पैसा वह कई वर्षों से जमा कर रहे थे कि एक दिन वह चार धाम यात्रा पर जाएंगे। कई वर्षों बाद उन्होंने अपने जमा किए हुए पैसों को गिना तो उन्हें पता चला कि काफी पैसा जमा हो चुका है और अब वह चार धाम यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उसी समय गांव में भीषण बाढ़ आया था और गांव के बहुत से गरीब लोगों बेघर और असहाय हो गए थे। पंडित जी ने देखा कि गरीब लोगों के पास ना तो रहने की व्यवस्था है और ना ही खाने की व्यवस्था है। पंडित जी के पास मंदिर के पीछे काफी जगह थी। उन्होंने अपने पास जमा सारे पैसे उन बेसहारा हो चुके गरीब लोगों की सेवा में लगा दिए और उन्हें रहने का स्थान दिया तथा दो समय के खाने की व्यवस्था की। उन्होंने चार धाम यात्रा के सपने छोड़ दिए। चार धाम की यात्रा करने वाले को पुण्य लाभ मिलता है और वह जीवन मरण के इस चक्र से छूटकर भगवान विष्णु के दिव्य ज्योति में समा जाता है। लेकिन पंडित जी ने तीर्थ यात्रा को ना चुनकर गरीब लोगों की सहायता करने का फैसला लिया था। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जब देवदूत उनकी आत्मा को इस लोक से दूसरे लोक ले जा रहे थे तो उन्हें संदेह था कि पंडित जी को किस लोक भेजा जाए, क्योंकि देवदूतों के पास जो कर्म लेख था उसमें पंडित जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन नहीं था। इसलिए वो पंडित जी की आत्मा को बैकुंठ नहीं ले गए और अपनी शंका का समाधान हेतु यमराज के पास गए और उनसे पूछा कि भगवान पंडित जी को किस लोक भेजा जाए, इन्होंने तो चार धाम की यात्रा नहीं की है। देवदूतों की समस्या जानकर धनराज ने देवदूतों से कहा कि लोग चार धाम की यात्रा अपने पाप को नष्ट करने के लिए करते हैं और जन्म मरण के चक्र से बचने के लिए करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण इस यात्रा को न करने का फैसला कर पंडित ने लोगों की सेवा करने का फैसला लिया और यह गुण किसी सचरित्र और निष्पाप आत्मा वाला व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए पंडित जी के लिए वैकुंठ के दरवाजे उनकी स्वागत के लिए खुले हुए हैं और उनके इंतजार में हैं। इसलिए पंडित जी का सही स्थान वैकुंठ ही है। देवदूतों को समझ आ गया कि भगवान ने सबसे पहले कर्म को प्राथमिकता दी है, जिसके अंतर्गत जरूरतमंद की सेवा, अनाचार का विरोध, आतंकवाद का खात्मा, लोगों को शिक्षित, धर्म फिर राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहना आदि शामिल हैं। यह हिंदी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हिंदी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें।